अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ? अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आप चला जाऊँ? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कई से सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते होंगे। इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो इसी सेंटेंस को गाइस, इसी एक्सप्रेशन को हम बहुत तरीके से बोलते हैं। जैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आप बुरा ना माने तो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो, इन सब के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं एक स्ट्रक्चर इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर इफ़ यू डोंट माइंड। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। फिर आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज़ करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप यूज़ करोगे अदर वर्ड्स मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके सेंटेंस में है तो। चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ? तो आप कहोगे इफ़ यू डोंट माइंड मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ या क्या मैं इस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड मे आई यूज़ दिस फ़ोन। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई यूज़ दिस फ़ोन। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? इफ़ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं चला जाऊँ? इफ़ यू डोंट माइंड शैल आई लीव। इफ़ यू डोंट माइंड शैल आई लीव। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड मे आई डू दिस वर्क। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई डू दिस वर्क। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ कहूँ? गाइस ये सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक।